ऑफ द स्पाउस देखने के लिए वी हैव टू लुक एट द सेवंथ हाउस एज लग्न। जैसे हम लगन से देखते हैं कि कैसे हेल्थ अच्छी होगी, इफ द सेवंथ लग्न इज स्ट्रॉन्ग, हाँ तो ऐसे ही हम सेवंथ, इफ सेवंथ हाउस इज स्ट्रॉन्ग सो द हेल्थ ऑफ द स्पाउस विल बी गुड। इफ द सेवंथ लॉर्ड इज इन केंद्र और त्रिकोण तो देन इट विल बी गुड। And seventh lord should not be in sixth, twelfth, or second. It means sixth is eighth house from seventh. Twelfth is sixth house from seventh. Second house is eighth house from seventh. Sixth house is twelfth from the 12th house from the seventh. तो इसलिए वो एक छह आठ बारह देखना है from the seventh house. Seventh lord should not be in sixth, eighth, twelfth from seventh. सिंपल। एंड टू कंपेयर द हेल्थ ऑफ द पार्टनर विद नेटिव स्टडी हॉरोस्कोप्स ऑफ अपने। और अब हमारी ज्यादा हेल्थ अच्छी होगी कि स्पाउस की हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी ये कंपेयर करना है तो लगन से अपने प्लैनेट्स कंपेयर कर लो, देख लो कैसे हैं, नंबर दे लो। फिर सेवंथ हाउस से प्लैनेट्स देख लो वो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, जिसको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है सर। कई बार ऐसा होता है ना कि सेकंड हाउस में प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो हमारे तो फाइनेंस तो ठीक हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हेल्थ खराब हो जाएगी। ट्वेल्थ हाउस में बैठते हैं तो सिक्स्थ हाउस हो गया, ट्वेल्थ हाउस हमारे लिए भी खराब हो गया और सिक्स्थ हाउस उसके लिए भी खराब हो गया, खराब हो गया हाँ, तो दोनों की हेल्थ खराब होगी। एट्थ हाउस में प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो हमारे लिए भी एट्थ हाउस इज गुड फॉर सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस एट्थ हाउस इज मनी फ्रॉम फॉर द फाइनेंस हाउस फ्रॉम द सेवंथ हाउस। तो एट्थ हाउस डज नॉट गिव बैड रिजल्ट्स फॉर सेवंथ हाउस। सैटर्न इन इलेवंथ हाउस और थर्ड एस्पेक्ट टू लग्न गिव सडन एक्सीडेंटल डेथ टू द नेटिव। इलेवंथ हाउस में अगर सैटर्न बैठा हो तो लगन को देखेगा वो थर्ड एस्पेक्ट से, हाँ जी, क्या कि डेथ होती है एक्सीडेंटल डेथ या सडन डेथ होती है, मतलब कि आदमी जब जाता है ना तो उसको पांच मिनट पहले भी नहीं मालूम होता कि वो जाने वाला है, चाहे चाहे तो हार्ट अटैक से जाए, चाहे कोई और तरह से जाए, चाहे एक्सीडेंट से जाए, उसको अचानक डेथ हो जाती है। ऐसे ही अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो शनि तो एक्सीडेंटल इट गिव्स एक्सीडेंटल डेथ टू द पार्टनर। इसीलिए फिफ्थ हाउस का शनि जो है काफी खराब माना गया, काफी खराब माना। ओके तो शनि के लिए तो कहते हैं ना कि बहुत लंबी लंबे अरसे तक लटकाए रखता है, मारता है, जल्दी नहीं है। एट्थ हाउस में बैठा हो तो अच्छा, खाली एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में नाउ टू नो एजुकेशन ऑफ द पार्टनर, नाउ वेदर ही विल बी लर्नेड और नॉट, ही विल बी वेल स्टडीड और नॉट, हां जी बिल्कुल बिल्कुल, हां जी, डिग्री और नॉट, सो दैट डिपेंड्स ऑन the 10th house, मतलब हमारा क्या 4th और 5th house को देखते हैं ना हम, हाँ जी, 4th और 5th house की बजाय हम वहां पे क्या देखेंगे 10th और 11th house, 10th और 11th house में पता चलेगा कि उसकी डिग्री क्या होगी या कितना इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, ठीक है। जुपिटर इन द 7th house, जैसे लगन में जुपिटर बैठा हो तो आदमी विद्वान होगा, सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठा होगा तो स्पाउस विद्वान होगा। सेवंथ लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर इन सैटर्न इन 10th हाउस, शनि जैसे कि चौथे घर की बजाय दशम भाव में बैठ गया तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो वही मतलब सिंपल, यू हैव टू रोटेट लगना टू सेवंथ, और वो जिस तरह से हम एजुकेशन अपनी देखते हैं ऐसे ही हम स्पाउस की एजुकेशन को देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और स्पाउस जॉब के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे। लोग ये सवाल बहुत होता है कि हमारे स्पाउस वर्किंग हो गया नॉन वर्किंग, जैसे पर्टिकुलरली टू द बॉयज
लड़कियों के लिए तो यह है कि काम करता ही होगा, लेकिन लड़की काम करती होगी कि नहीं होगी उसके लिए तो ये रहता है ना सवाल। तो बिल्कुल हम ये देखेंगे कि वो सेवंथ हाउस से टेंथ हाउस कैसा है, यानी कि फोर्थ हाउस से कोई कनेक्शन है क्या। और कई बार सवाल ये पूछते हैं कि हमारे साथ काम करेगी क्या वाइफ हमारी, हाँ जी हम दोनों साथ कर रहे होंगे या एक ऑफिस में काम कर रहे होंगे क्या, तो कोई एसोसिएशन होगा क्या जॉब का। तो उसमें अगर फोर्थ और टेंथ का एसोसिएशन होगा तो वो वहां पे एसोसिएशन होगा दोनों की वर्किंग में भी। फोर्थ हाउस एक का प्रोफेशन, टेंथ हाउस दूसरे का प्रोफेशन, तो दोनों का प्रोफेशन में एसोसिएशन होगा अगर दोनों में कोई रिलेशनशिप होगी तो। ठीक है, तो टेंथ हाउस लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस तो ये कनेक्शन है फिर है, टेंथ हाउस लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस, हाँ तो ये भी कनेक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल, यही कनेक्शन हो गया, यही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, मेरे पास नहीं है, बल्कि आप में से कोई हो तो मेरे को दीजिए। मेरे आपके कोई है जिसके मेरे पास एक है, हाँ जिसके हस्बैंड वाइफ काम करते हो, नहीं तो हस्बैंड हस्बैंड का बताओ, मैं अपनी दिखा देता हूँ, नहीं तो अपनी और उसको बना देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल सही सर, माय वाइफ यू नो दैट शी इज वर्किंग विद मी ऑल जी। दिस इज माय हॉरोस्कोप। अब सेवंथ लॉर्ड इज सिटिंग इन द टेंथ हाउस फ्रॉम हियर, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ये। और लग्नेश इज सिटिंग विद द सेवंथ लॉर्ड, लग्नेश एंड सेवंथ लॉर्ड आर टुगेदर। अभी मैंने बताया था कि इफ लग्नेश एंड सेवंथ लॉर्ड आर टुगेदर देन दे विल गेट मैरिड टू द सेम इन द सेम सिटी। बिल्कुल सर, अभी बोथ इन दिल्ली, ये बोथ इन दिल्ली एंड सो नॉट मैरिड इन दिल्ली सेम सिटी। ये भी आपको समझ में आ रहा है दैट एंड प्रोफेशनली देखिए दिस इज हर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन इज यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठा है इनकम का इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे भी ये मार्स एंड जुपिटर आर एस्पेक्टिंग ईच अदर, सेकंड हाउस माय सेकंड हाउस एंड हर सेकंड हाउस आर कनेक्टेड मार्स, है ना, बिल्कुल फाइनेंसेस सेम प्रोफेशनली सेम, बिल्कुल बिल्कुल सर राइट, ये काफी सही बैठता है ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है। अभी आप कोई और नई एक्सरसाइज देना चाहे तो मैं ट्राई करवा सकता हूँ, कोई है आपके पास एग्जांपल? सर मैं एक बताऊं? हाँ बोलिए स्नेह जी। सर 6/12/1988 सर सुबह 2:10 2:10 AM हाँ दिनहटा DIN DIN HATA तो शनि गुरु यहाँ पर टेंथ लॉर्ड हो गया, गुरु यहाँ पर मर्करी का है, मर्करी इज हेयर, शनि जुपिटर एंड मर्करी दे आर अपार्ट, जुपिटर एंड मर्करी दे आर क्वाइट डिस्टेंस वाइज काफी है, तो शादी जो हुई होगी वो बहुत पास में नहीं होगी, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिटीज। हाँ यस सर, हाँ और शनि में भी, अब शनि जैसे यहाँ पर है तो दे आर वर्किंग सेपरेटली, इसमें कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा,
फोर्थ लॉर्ड और वर्किंग सेपरेटली हाँ सर काम अलग कर रहे हैं बट ही वांट्स हिज वाइफ टू वर्क मतलब काम कराना चाहते हैं वो हाँ वर्क वो दे आर वर्किंग सेपरेटली ना मतलब काम हाँ अभी अभी अलग काम कर रहे हैं कर ही नहीं रही है वाइफ काम ही नहीं कर रही ये इनकी ये मेल की हॉरोस्कोप है ये यस सर ये मेल की हॉरोस्कोप है और वाइफ को काम कराना चाहते हैं हाँ हाँ तो वाइफ का जो प्रोफेशन का मालिक क्या हुआ जुपिटर हाँ यस सर वाइफ का प्रोफेशन का मालिक जुपिटर जुपिटर कहाँ पर है नाइन्थ हाउस में थर्ड हाउस में यहाँ से थर्ड हाउस तो थर्ड हाउस में बैठा है तो वो जब थर्ड हाउस में बैठता है ना तो वो काम मेहनत कोशिश करते हैं और काम कभी कभी करते हैं लेकिन बहुत कम चलता है ऐसा होता है कभी करेंगे तो वो थोड़े दिन काम करेंगे फिर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे फिर छोड़ देंगे योर एनर्जी गोज वेस्ट पराक्रम गोज वेस्ट राइट सर बट इसमें फोर्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन नहीं है ना इसमें तो इसमें सर है इसमें मतलब वो म्यूचुअल एस्पेक्ट है कैसे जुपिटर और मर्करी का जुपिटर और मर्करी दे आर एस्पेक्ट नहीं है अभी शायद ये ट्राई कर रहे हैं कि वो काम करवाएंगे तो अपने साथ कराने की कोशिश करेंगे राइट 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 और शायद हो भी जाए फिर क्या अपना बिजनेस है उनका जैसे कंस्ट्रक्शन जैसे वो पीडब्ल्यूडी का रोड कंस्ट्रक्शन ये सब करते हैं मतलब वो अपना काम तो अपन एक काम है अपना काम है ना उनका हां हां कॉन्ट्रैक्टर है चल मान लीजिए हां तो वो अपने साथ कुछ काम करवाना चाहते हैं ना सर जैसे ये इनकी वाइफ जो है वो इंटीरियर का काम करती है चीजें इंटीरियर तो उसमें ठीक है तो उसमें तो सेम वहां तो इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें कुछ अपने साथ एसोसिएट करके काम करवाना चाहते हैं काम है ना तो एसोसिएशन तो दिखाई दे रही है जुपिटर एंड मर्करी लेकिन जुपिटर जो है टेंथ लॉर्ड फ्रॉम हियर इज इन द थर्ड हाउस सो इट इंडिकेट्स कि शी इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली अभी तो हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसको काम करने काम करती है तो काम थोड़े देर काम करती है फिर छूट जाता है फिर काम करती है हाँ ये होता है उसको तो ये दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम हियर ठीक है सर एक चीज पूछी थी अगर फोर्थ लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस टेंथ को देख रहा है तो इसको भी हम मतलब मानेंगे एक कॉम्बिनेशन फोर्थ और टेंथ का हां डेफिनेटली यस फोर्थ इन फोर्थ लुकिंग एट टेंथ यस इट्स अ कनेक्शन इट्स अ कनेक्शन एंड सर इफ फोर्थ एंड टेंथ लॉर्ड सिटिंग टुगेदर वो बहुत बड़ा कनेक्शन है तो साथ में वर्क करेंगे ही बिल्कुल ओके आगे चलते हैं रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप बिटवीन टू लग्नास एंड टू मून सी साइन इंडिकेट द रिलेशनशिप ये मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ जी सर और जो मून साइन है दोनों के कैसे फ्रेंडली हैं या नहीं है अगर नहीं है तो नहीं होगा नहीं तो अगर दोनों के एक ही देव ग्रुप में आ गए मान लीजिए ये वही लिखा है लग्नास ऑफ सन मून मार्स एंड जुपिटर आर देव एंड डू नॉट विद अदर्स सिमिलरली मून साइन शुड आल्सो बी फ्रॉम द सेम ग्रुप देयर शुड नॉट बी नेगेटिव प्लैनेट्स ऑफ डाइवोर्स इन बोथ द हॉरोस्कोप्स तब वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी अगर एक ही पत्री में भी नेगेटिव प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो शादी अच्छी नहीं रहने देते और सैटर्न शुड नॉट बी ट्रांजिटिंग थ्रू फोर्थ और सेवंथ हाउस ये अगर सैटर्न इफ इट इज ट्रांजिटिंग इन द फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस तो वो मैरिटल लाइफ को थोड़ा खराब बना देता है खराब कर देता है इट मे नॉट गिव ब्रेक बट स्टिल इट कैन डिस्टर्ब द मैरिज And transit of Mars to seventh house also destroys mutual understanding. So you can say that nowadays, these days, you are happy or you are fighting. Relationship with in-laws. This also works very well. This formula na works very well. Mother-in-law is fourth,
to the seventh house. Fourth to seventh, that is 10th house. 10th house. Fourth to the seventh is 10th house. 10th house is the mother-in-law and father-in-law is 10th from the 7th house. That is 4th house. 4th house. सर फादर को तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं तो फादर इन लॉ शुड बी थर्ड हाउस से देखिए आपको ठीक मिलेगा ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दे आर थर्ड फ्रॉम द सेवंथ हाउस दैट इज नाइन्थ हाउस सो नाउ यू नो द हाउसेस एंड नाउ यू सर सी द रिलेशनशिप सो यू हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द लग्न एंड द टेंथ हाउस All they are connected. That will define my relationship with my mother. Well, if I look at the seventh house, so that also in if I have to see the relationship between my father-in-law, then fourth lord I have to consider. Fourth lord and the lagna. All they are connected. For understanding with mother-in-law, see relationship between seventh lord and fourth lord. मतलब कि हमारा अगर हमें ये देखना हो कि हमारी वाइफ की हमारी उसकी सास से कैसी बनेगी यानी कि हमारी मदर से कैसी बनेगी हमारी वाइफ की हमारी मदर से कैसी बनेगी यानी कि उसकी सासू से कैसी बनेगी कैसी बनेगी तो उसके लिए सेवंथ लॉर्ड और फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड को देखना होगा करेक्ट करेक्ट आवर मदर इज फोर्थ हाउस And our wife is seventh house. Seventh house. ठीक है ना तो their relationship. तो कई बार वो enemical relationship आ जाती है. अगर दोनों same हो अगर दोनों mercury हो तो. Same हो तो फिर ठीक है. It should be good. Unless and until mercury is debilitated or disturbed, it should be good. Similarly, relationship with father-in-law is governed by this. This. Okay. My relationship with my in-laws, then see relationship of Lagnesh with 10th house. So you can consider it. It's very much clear. And for happy married life, you have to wear yellow sapphire if suitable, or wear opal, either of the two. Okay. आपका लगन जो है शनि का है या बुध का है या शुक्र का है तो ओपल पहनी है अदरवाइज ये येलो सफायर पहनी है छह लग्नों में ओपल पहनी है छह लग्नों में येलो सफायर पहनी है येलो सफायर तो आपको मैरिटल लाइफ ठीक हो जाएगी सर प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे हाँ प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे वो भी कर सकते करेंगे लेकिन मैं इन जनरल इफ द लग्ना इज लाइक दिस You can okay. suggest 90% time it will be okay. Gauri Shankar Rukha. कौन लगने में ये उपाल है कौन लगन में सफेद एक बार बोल दीजिए. श्रीक मिथुन. शनि शुक्र और बुध के लग्नों में ओपल पहनी है. अच्छा अच्छा. और चंद्रमा सूर्य मंगल और गुरु के लग्नों में येलो सफायर पहने. Okay okay. Then you will get, you will have a happy married life. Gauri Shankar Rudraksh pehniye as a locket. Keep Ekadashi Vrat or Vrat for the day of the seventh lord. Agar wahan pe maan lo seventh house mein Venus Malik hai to Shukrawar ka Vrat rakh sakte hain. Shani Malik hai to Shaniwar ka Vrat rakh sakte hain. और या फिर एकादशी व्रत का तो बहुत ही अच्छा है सबसे बढ़िया व्रत है एकादशी व्रत एंड नारायण गायत्री का पाठ करिए या विष्णु मंत्र का पाठ कीजिए विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए या नारायण गायत्री ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात This, इसका पाठ करना चाहिए ठीक है सर और अगर किसी नहीं हो रही है तब क्या करना चाहिए सजेस्ट ओपल ऑफ 8 to 10 रत्ती इन सिल्वर और गोल्ड ऑन फ्राइडे
तो फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 लग्नास, इन सब लग्नों के लिए आप ये उन्हें ओपल पहनाइए, और ये मंगल और गुरु के लग्नों के लिए आप पुखराज पहनाइए। ये जो आपने ओपल पहनाना है ये आपको रिंग फिंगर पर पहनाना है, नॉट इन द फर्स्ट फिंगर, इन द रिंग फिंगर। अच्छा, रिंग फिंगर, बिकॉज वी वॉन्ट ओपल टू वर्क एज वीनस, नॉट एज जुपिटर। ओपल को सेकंड फिंगर में पहने जा सकता है, सेकंड फिंगर में, हाँ मतलब मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर में, मिडिल नहीं पहना जा सकता है, लेकिन नहीं उसको, इट शुड बी वर्न इन द रिंग फिंगर द बेस्ट। ओके, कभी भी पहना ओपल तो रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, मेल और फीमेल। क्या सैटर्न का ओपल, ओपल जब भी पहना है तो रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, मेल और फीमेल। यस यस यस, दैट्स राइट। और सर अगर वर्किंग के लिए किसी को पहनाना है तो फिर तब तो हम उसे रिंग फिंगर में पहना सकते हैं, वो इंडेक्स फिंगर में पहना सकते हैं। इंडेक्स भी जुपिटर के लिए, फिर पुखराज बनाइए ना आप, दैट इज बेटर। ओके सर, ठीक है। मंगल शांति, डायमंड भी सेम वर्क करेगा ओपल के जैसे? नहीं 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 नहीं, उसकी वर्किंग बिल्कुल फर्क है, वो तो और रिजिड बना देता है, और आप शादी नहीं हो रही है तो नहीं करने देगा, आपकी सोच और ऊंची कर देगा। ठीक है सर, डाउन दी अर्थ रखता है, जल्दी से मैच करा दे। मंगल शांति पाठ, अगर मंगल दोष है तो मंगल शांति पाठ कराना चाहिए, मंगलनाथ मंदिर में, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। और सर ये यहाँ पे भी करा सकते हैं, मतलब अगर हाँ करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी करा सकते हैं। अच्छा। वो रिसाइट बालकांड, बालकांड रामायण का बालकांड है ना, पहला अध्याय। हाँ जी, पहला अध्याय जी, उसमें शिव पार्वती विवाह का बड़ा, हाँ। उस प्रकांड, उस प्रकरण का पाठ, हाँ, पाठ ठीक है, वो प्रसंग बहुत अच्छा, बालकांड जी जी। एकादशी व्रत पर लॉर्ड विष्णु ये रखें, विष्णु पूजा करें पूर्णिमा के दिन या थर्सडे के दिन, पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, फ्राइडेज को कात्यायनी मंत्र का, लड़कियों के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप करवाएं, और लड़कियों के लिए दूसरा वाला जाप करवाएं, ये कात्यायनी महामाया महायोगी ईश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम मे गुरु ते नमः। तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पत्नी मनोरमा से ही अभी रिमेडीज जो है, मैरिज डिले हो रही है तो मैरिज क्विकली कराने के लिए है कि एग्जैक्टली क्या है सर रिमेडीज? और सर ये आफ्टर मैरिज भी पहनाया जा सकता है सर, शादी नहीं हो रही है उसके लिए है ये। यस सर, थैंक यू। और सर शादी हो गई है और शुक्र नहीं फेवरेबल है तब भी ये ओपल हम ऐसे ही करा सकते हैं? हाँ, ओपल इन लग्नों के लिए वैसे भी ओपल बनाया जा सकता है, फाइनेंस के और मैरिटल लाइफ हैप्पीनेस के लिए। जैसे किसी का सर बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है आफ्टर मैरिज, यदि कोई लेडी का बहुत ही वीक है वीनस, तो ये पहनाया जा सकता है सर रिंग फिंगर में ओपल? यस यस डेफिनेटली यस। ओके ठीक है सर, सेकेंड मैरिज के लिए कंसिडर द नाइन्थ हाउस एज हाउस ऑफ मैरिज एंड अप्लाई अप्रोप्रियट्स, ठीक है। लेट मैरिज शुड नॉट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नाइन्थ हाउस, मतलब कई बार सेवन्थ हाउस में भी नो मैरिज है और नाइन्थ हाउस में भी नो मैरिज लिखी हुई है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरफ से नो मैरिज है तो दूसरी तरफ नहीं होनी चाहिए। If it is first marriage for the partner, then consider 7th house for the partner and 9th house for the native. If it is first marriage, then 7th house is, consider 7th house and consider 9th house for the partner if it is the second marriage. Both horoscopes should not show a bad marriage.
normally if marriage is bad from 7th house, it is good from 9th house. So second marriage is normally good. क्योंकि it is shown from a different house. तो एक घर खराब है, दूसरा घर थोड़ी जरूरी खराब होगा. जी सर. Marriage should be done in the same manner as the first marriage. Timing should be completed by taking transits over the 9th house. पहले हमने 7th house से transit लिया था, अब 9th house से transit. सर transit. और 9th house. Dasha can be taken by using 9th house and 9th lord into consideration. Dasha भी 9th house की, 9th lord की होगी. तो ये सेकंड मैरिज कंसिडरेशन है. इसके लिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन जो बाकी जो रूल्स बताए हैं वो काफी काफी काम करते हैं. थर्ड पॉइंट सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्या मतलब हुआ इसका सर? किसका? थर्ड पॉइंट का सर. थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फर्स्ट मैरिज फॉर द पार्टनर देन कंसीडर 7th हाउस. इसके जो नेक्स्ट है वो नहीं क्लियर हुआ सर. फॉर द पार्टनर एंड 9th हाउस फॉर नेटिव, क्या मतलब, कैसे क्या कैसे करेंगे सर इसको, कैसे कंसीडर करेंगे इसको, एज ए लगना कंसीडर करेंगे 9th को सर नेटिव के लिए? If it is first marriage for the partner, then consider 9th, 7th house for the partner and 9th house for the native. Native के लिए आज लगना हो जाएगा 9th house sir, ये क्या होगा इसका meaning? ये गलत ही लिखा है, मैं थोड़ा sentence गलत है. And 9th house for the, and लगना के लिए तो लग्न तो 9th house ही रहेगा, लग्न तो self के लिए हो गया ना. ये सेंटेंस गलत हो गया, गलत लिख गया यहाँ पर. इफ इट आई रेक्टिफाई इट, इफ इट इज द फर्स्ट मैरिज फॉर फर्स्ट मैरिज देन कंसीडर 7th हाउस फॉर द पार्टनर. इट इज फर्स्ट मैरिज देन कंसीडर 7th हाउस फॉर द पार्टनर एंड फॉर सेकंड मैरिज. Consider 9th house for consider 9th house for the partner. अब ठीक है जी. ये सिंपल है, वो 7th house है उसको फर्स्ट के लिए 7th house ना सेकंड पार्टनर के लिए. सर अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुआ ना सर. अभी क्या हुआ कि हमारा नेटिव नेटिव के लिए हम देख रहे हैं ना, अगर नेटिव की अगर सेकंड मैरिज है तो हम नेटिव के लिए 9th हाउस को एज ए 7th हाउस कंसीडर करते हैं. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, दोनों केस में हम पार्टनर को कंसीडर कर रहे हैं. अगर नेटिव नेटिव का आपका सेकंड मैरिज है और यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो पार्टनर का सेकंड मैरिज निकल के आ रहा है 9th हाउस के लिए. Then consider 7th house for the partner. For second marriage, for our second marriage, हमारी second marriage होगी ना. For it is first marriage. For second, for our second marriage, 9th house for the partner. ये correct है sir. आप इसे check कर लीजिए, आप समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख लीजिए. ये correct है. Simple है कि लगना for the spouse is 7th house for the first marriage and लगना for the spouse is 9th house for the second marriage. Second marriage, absolutely. So this completes our this chapter.